चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर जिले में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का संदेश दूर दूर तक जाए, इसके लिए इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की पुरजोर कोशिश लगातार जारी है। पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए करीब 2 लाख लोगों को लाया जाएगा। इतने लोगों को लाने और ले जाने के लिए सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने 2000 बसें उपलब्ध कराने को कहा है, जिसको लेकर 2000 बसों की पार्किंग व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे आगामी 16 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बड़े ही तेजी से तैयारियां चल रही हैं। आपको ये बता दें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिए पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने 2000 बसों के लिए UPSRTC के प्रबंधक को पत्र लिख करके मांग की है कि 16 नवंबर को जो ये कार्यक्रम सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का होना है, उसके लिए लोगों को लाने एवं ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर ये अधिकारी आए हुए थे, इन्होंने इस पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने यहाँ पर जो ये फसल आपको दिखाई पड़ रही है, उस फसल के मुआवजे की भी बात यहाँ के किसानों को देने की कही है। आपको ये बता दें कि आज 13 नवंबर है और 3 दिन के अंदर ये जो एरिया बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे एरिए में बसों को खड़े करने की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। इस स्थल पर लगभग 1000 बसें खड़ी होंगी और ये एरिया आपको इसके अलावा भी, इस एरिया के अलावा भी दूसरी तरफ भी जो है बसों के खड़े करने की, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ भी बसों के खड़े करने की बड़े ही व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तहसीलदार विदुषी सिंह ने भी इस पार्क